नमस्कार दोस्तों, आज हम वोडाफोन के दो बेहद ही सस्ते अनलिमिटेड वॉयस कॉल वाले प्लान की बात करेंगे। इसे पहले के वीडियो को आगे बढ़ाए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस जियो को चुनौती देने के मकसद से वोडाफोन ने नए प्रीपेड पैक लॉन्च किए हैं। खबर है कि इस टेलीकॉम कंपनी ने 99 रुपये और 109 रुपये के प्रीपेड पैक लॉन्च किए हैं। दोनों ही प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा के साथ आएंगे। इनकी वैधता 28 दिनों की होगी। 109 रुपये वाले वोडाफोन प्लान में यूजर को इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि वोडाफोन के इन प्लान में मिलने वाली मुफ्त वॉयस कॉल की सुविधा पूरी तरह से अनलिमिटेड नहीं है। ये प्लान दैनिक और साप्ताहिक मुफ्त कॉल सीमा के साथ आएंगे। वोडाफोन के दोनों ही नए प्लान में सब्सक्राइबर को अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी टेलीकॉम टॉक ने दी है। इसके अतिरिक्त 109 रुपये वाले वोडाफोन प्लान में इस्तेमाल के लिए 1 GB 3G 4G डेटा भी दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। अनलिमिटेड वॉयस कॉल की एक सीमा होगी। वोडाफोन सब्सक्राइबर हर दिन सर्वाधिक 250 मिनट मुफ्त कॉल कर पाएंगे और सप्ताह में इसकी सीमा 1000 मिनट होगी। इसके अतिरिक्त यूजर 28 दिनों तक 100 अलग नंबर पर ही कॉल कर पाएंगे। इतना साफ है कि वोडाफोन के दोनों ही प्लान उन यूजर के लिए हैं जो वॉयस कॉल की सुविधा चाहते हैं। वोडाफोन के नए प्लान के जवाब में रिलायंस जियो का रिचार्ज पैक 98 रुपये का है। 28 दिनों की वैधता वाले इस प्लान में यूजर को 2 GB 4G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 300 SMS मिलते हैं। दूसरी तरफ वोडाफोन के इस प्लान की भिड़ंत सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 99 रुपये वाले प्लान से भी होगी। इसमें भी यूजर को अनलिमिटेड नेशनल और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है, दिल्ली और मुंबई सर्कल को छोड़कर। इस प्लान की वैधता 26 दिनों की है। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आपको ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो मिलती रहे।